जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कसम देश की खाते हैं, हमास का नाश करके ही मानेंगे। गाजा पट्टी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। दिवाली के पहले गाजा का नाश निश्चित। 41 किलोमीटर में 41,000 बम बरसाएगा इजराइल। आतंकी हमास की तरह तेजी में नहीं, आतंकियों की तरह कत्लेआम मचा कर नहीं, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच विचार कर, पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल गाजा पट्टी में छिपे आतंकियों का सर्वनाश कर रहा है। इस सर्वनाश की स्क्रिप्ट इजराइल के 5 टॉप लीडर्स ने लिखी है। इन 5 चेहरों ने हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक हमले की डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। लिहाजा गाजा को मिट्टी में मिला देने वाले हमले से इतर आज 5 चेहरों की डिटेल आपको दिखाते हैं। इजराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं 5 कंधों पर है, जो सीधे प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करते हैं, जिनके एक आदेश पर इजराइल से गिरी मिसाइल हमास के अस्तित्व को मिटा रही है। पहला नाम है इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट का। दूसरा नाम है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का। तीसरा नाम है इजराइल के खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर डेविड बार्निया का। चौथा नाम है इजराइल के एयरफोर्स के चीफ तोमर बार का। और पांचवा नाम है विपक्षी दल के नेता बेनी गैंट्स का, जिन्होंने वर्तमान सरकार के साथ सारे मतभेद भुलाकर युद्ध कैबिनेट का गठन किया है। रणनीति, कूटनीति, हमला और उसका तरीका, इजराइल के इन 5 शहरों पर ही टिकी है हमास के विनाश की संपूर्ण कहानी। आपको एक एक कर इन 5 चेहरों की पहचान, इनकी जिम्मेदारी और इनके एक्शन की डिटेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल में गठित युद्ध कैबिनेट क्या है समझ लेते हैं। मुसीबत में इजराइल के लोग और इजराइल की सियासत बिल्कुल एकजुट है। युद्ध कैबिनेट इसकी मिसाल है। दरअसल विपक्षी नेता ने नेतन्याहू सरकार से सारे अपने मतभेद भुला दिए हैं ताकि हमास के खिलाफ युद्ध में सियासत कोई खलल पैदा न करे। सबसे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री के निर्णायक शब्द सुनिए और हमास के अंधकार में भविष्य की तस्वीर की कल्पना कीजिए, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को जमीन के 20 फुट अंदर दफना देने का हलफ उठाया है। אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה. אני מבקש מאזרחי ישראל להתאזר בסבלנות, לגבות את צה"ל ואת כוחות הביטחון. यो गैलेंट पिछले साल यानी 2022 से इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले यो गैलेंट आर्मी में इजराइल के दक्षिणी कमांड के हेड थे। आर्मी बैकग्राउंड होने के कारण यो गैलेंट का काम और आसान हो जाता है। हमास के आतंकियों की टेक्निक और उनके हमले की क्षमता से इजराइल के रक्षा मंत्री परिचित हैं। इसलिए इनकी रणनीति जमीन पर कारगर दिख रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हैं इजराइल का इस वक्त दूसरा सबसे अहम चेहरा आर्मी चीफ का, हर्जी हालेवी। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के चीफ हैं। हालेवी इसी साल जनवरी में आर्मी चीफ बने हैं। इससे पहले हालेवी भी रक्षा मंत्री की तरह इजराइल के दक्षिणी कमांड के इंटेलिजेंस चीफ थे। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר הריבון ברצועת עזה ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. जो गैलेंट हर्जी हालेवी के साथ हमास के खात्मे की स्क्रिप्ट जिसने तैयार की है उसका नाम है डेविड बार्निया। डेविड बार्निया ने 2021 में
यानी दो साल पहले दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों में नंबर दो मोसाद के डायरेक्टर का पद संभाला था। डेविड बार्निया की तो पढ़ाई लिखाई ही मिलिट्री स्कूल में हुई है और इसके बाद डेविड बार्निया ने मिलिट्री में नौकरी भी की है। यो गैलेंट, हर्जी हालेवी और डेविड बार्निया, इन तीनों के अलावा और दो चेहरे हैं जिन्होंने युद्ध में इसराइल की बागडोर संभाल रखी है, लेकिन इन दो चेहरों की जिम्मेदारी और एक्शन की डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले इसराइल ने हमास के द एंड की जो प्लानिंग की है उसे समझना बहुत जरूरी है। असल में अब तक गाजा पट्टी पर हमले के लिए इसराइल अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की एयरफोर्स अपनी तकनीक और हमले के लिए स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसराइल का फैसला दिख रहा है कि वो अब गाजा पर सिर्फ आसमानी हमले नहीं बल्कि हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसराइली सेना के मुताबिक गाजा में हमले के लिए उसने अपने हजारों सैनिकों को तैयार कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इसराइल ने किस तरह के अटैक का प्लान तैयार किया है। इसराइल में ये वो इलाका है जिसे इसराइल ने मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और इस इलाके को खाली करा लिया गया है, यानी इस जोन में अब किसी इसराइली नागरिक को रुकने की इजाजत नहीं है। उन्हें बसों में भरकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और अब यहां सिर्फ और सिर्फ सेना के जवान मौजूद हैं और उनके साथ उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इसराइल की सेना ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं जो गाजा में जमीनी हमले करने के लिए सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और सरकार का फैसला आते ही हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। इसराइल के बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, उनकी संख्या की पूरी डिटेल इसराइल ने जारी नहीं की है, लेकिन हमास ने जिस तरह से जल थल और नभ से एक साथ हमला किया है उसे देखते हुए इसराइल भी हर दिशा से हमला करने की तैयारी में है। गाजा की वो पहले ही नाकेबंदी कर चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इसराइल की सेना किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसराइल में फ्रंट लाइन पर जो खड़े होते हैं वो इसराइली आर्मी यानी आईडीएफ के जवान। इनके पीछे होती है रिजर्व फोर्स जो बॉर्डर के जवानों को कवर फायर देती है। इन दोनों के पीछे होते हैं अगर जरूरत पड़े तब पैरामिलिट्री के जवान और उसके बाद आती है इसराइल की तेज तर्रार पुलिस और इन सबको जानकारी पहुंचाने का काम करती है मोसाद। अब की बार जिसके फेल होने पर युद्ध शुरू हो गया है। आपको आगे दिखाएंगे कि इसराइल की कुल मिलिट्री ताकत कितनी है, लेकिन उसके पहले वो दो नाम जिन्होंने इसराइल की सुरक्षा की शपथ ली है। चौथे नंबर पर है इसराइल एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार। एयरफोर्स के चीफ बनने से पहले तोमर बार इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में काम करते थे। इसराइल एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमर बार ने ही सबसे पहले हमास के खिलाफ मिसाइलें मारने का ऑर्डर पास किया। तोमर बार को इस बात का दुख है कि उनकी सेना को रिस्पॉन्स करने में देर लगी, लेकिन अब तोमर बार के एक्शन बता रहे हैं कि वो कितने क्रोध में हैं। इसराइल की आर्मी, खुफिया एजेंसी, वायुसेना सब ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और इसराइल को इस वक्त हमास का संपूर्ण विनाश दिख रहा है। इस काम में देश के बॉर्डर पर नहीं सियासत के कटघरे में प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू को खड़ा करने वाले विपक्षी नेता बेनी गांस ने वक्त पर मिसाल वाली एकजुटता दिखाई है। बेनी गांस पहले इसराइल के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। बेनी गांस इसराइल के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। मतलब इसराइल में इस वक्त आर्मी सुपर एक्टिव है, सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवान की तरह नहीं उनके वर्तमान कमांडर की भूमिका में भी और पूर्व कमांडर की भूमिका में भी जो इस वक्त वॉर रूम में बैठे। इसराइल का डिफेंस फोर्स हमास के हमले को रोकने में नाकामयाब रहा। इसके अलावा मुजाद भी हमास से जुड़ी जानकारी जुटाने में विफल रहा। यही नहीं, एयरफोर्स भी हमास के हमले को नहीं रोक पाया। लेकिन अब इन तीन प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख वॉर रूम में गाजा पट्टी पर बम बरसाने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाया जा रहा है।